सकता। Give us ammunition, give us rations, and then you will see for yourself that given a chance, how the Bengali will fight. वाकई बड़ा चावल खाता है। हाँ भुट्टो साहब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। I do not think that the people of West Pakistan will accept the Prime Minister from Bengal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मुजीद द मेकिंग ऑफ अ नेशन, जी हाँ, एक ऐसी मूवी जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। मैंने चाहा क्यों ना इसके ऊपर बात करें, रिएक्शन दें। अभी मैंने ये कम्प्लीट मूवी नहीं देखी, कुछ इसका पार्ट देखा है, लेकिन ये मूवी बहुत ही कमाल और हिस्टोरिकल, तमाम वो जो गुजरे हुए लम्हात उसके ऊपर ये बनाई गई है, हिस्ट्री इसके ऊपर बयान की गई है, क्या क्या होता रहा, सकूते ढाका क्यों हुआ, 1971 का वाकया कैसे हुआ और क्यों इसकी नौबत क्यों आई, वजह क्या बनी कि एक ऐसा मुहिब्बे वतन लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, जो कायदे आज़म का बड़ा फ़ैन था, जो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट खड़ा होता था, और उसको क्या एक अचानक ये बात उसके जहन में आ गई कि वो आज़ादी का नारा लगाने लग गया, वो बंगला का नारा लगाने लग गया, वो बंगाली लैंग्वेज के ऊपर बात करने लग गया, वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हो गया और फिर एक अलग ही उसने मुल्क बना लिया। जी हाँ, आज़ादी से पहले यानी 1947 जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुआ है ना, ये तब इकट्ठे ही थे, तो ये जिद्दोजहद जो की गई थी, ये स्ट्रगल जो की गई थी, वो उसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे। वो कहते थे ठीक है एक अलग मुल्क होना चाहिए, उसके बहुत बड़े वो हामी थे, हिमायत करते थे कि मुसलमानों की एक अलग रियासत होनी चाहिए और हिंदुस्तान के साथ हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो मुल्क अलग हो जाता है 1947 में, तो 1947 से लेकर 1971 तक उनका कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं सामने आया जिसमें वो इस तरह का कदम उठाया हो, इस तरह का स्टेप उठाया हो जिससे ये लोग कोई भी कह सके या मैं कह सकूं या कोई और कह सके या कोई इतिहास में लिखा हो, किसी भी हिस्ट्री की किताब में लिखा हो कि उसने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई गद्दारी की कोई बात की हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की होगी, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। शेख मुजीबुर रहमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आखिर वजह क्या बनी थी कि वो मजबूर हुए बंगाली और फिर अलग मुल्क बनाने का उन्होंने सोचा और सकूते ढाका हुआ, इसी के ऊपर ये सारी की सारी स्टोरी है। और मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन ये हॉलीवुड ने बनाई है, जिस तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड, जिस तरह इंडिया की है बॉलीवुड, इसी तरह हॉलीवुड है बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री है, ये मूवी इंडस्ट्री और मिलके बनाई है इसने इंडिया के साथ ये मूवी। अच्छा, ये 27 अक्टूबर को रिलीज हुई है मूवी, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ये इसके चर्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि जो तारीख के साथ ना लगाव रखते हैं, जिनको कुछ दिल लगी है ना, वो फिर इस तरह की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मैं तो स्पेशल आपको रिकमेंड करूँगा ये मूवी ज़रूर देखें, वो लोग देखें, मैं उनके ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, जिनको कोई थोड़ा बहुत हिस्ट्री के साथ लगाव है वो ज़रूर देखिएगा, हिस्टोरियंस हैं जो लोग। और जो नहीं देखना चाहते, इसके अंदर एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, और इसमें बताया गया है भुट्टो साहब की बात की गई है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बात की गई है, इस तरह की ये मूवी है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इस वीडियो को पहले हम देखें फिर इसके ऊपर हम बात करें। बढ़ते हैं जी, एक शॉर्ट क्लिप है फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्ला हमारी भाषा नहीं है, बांग्ला है हमारी माँ। But the new nation of Pakistan will have one national language, मातृभाषा उर्दू। राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए। मैं तुम्हें ढाका वाका कहीं नहीं जाने दूंगी। तूफान के उफान, काल बैसाख के बाद क्रोधित क्रांतिकारी को नहीं रोक सकता। Give us ammunition, give us rations, and then you will see for yourself that given a chance, how the Bengali will fight. चावल खाता है। बन्नी रानी रात से जबर, बन्ना तेरा जब आएगा, तेरे लिए क्या लाएगा।
चलो मैं तुम्हें एक गुड़िया घर देता हूँ। धानमुंडी माननी होगी, माननी होगी। हमारे इस प्रजातंत्र में दो अलग प्रदेश होने चाहिए, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व बांग्ला। भुट्टो साहब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आई डू नॉट थिंक दैट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान विल एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बंगाल। खून दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस देश को मुक्त करवा कर आएंगे इंशाल्लाह। इस बार है संग्राम हमारी मुक्ति का संग्राम, इस बार है संग्राम स्वाधीनता का संग्राम। ये देखा जी मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन, ये एक बड़ी जबरदस्त मूवी है और मैंने आप कुछ मूवी देखी, थोड़ी देखी, अभी ज्यादा नहीं देखी, तो मैं इंशाल्लाह ये पूरी मूवी देख के ना फिर उसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसके ऊपर रिएक्शन दूंगा कम्प्लीटली, तो देखते रहिएगा जी। और एक चीज़ अच्छा मैं इसमें बता दूं कि ये जो मूवी बनाई गई है, ये बताया गया है कि आखिर वजह क्या बनी थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। अब आप ये जो लोग कुछ पढ़ते ही नहीं हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा समझाना, कुछ को थोड़ा बहुत अगर तारीख का पता है, हिस्टोरिकल कोई इस तरह के वाकयात पढ़ते हैं और बुक्स काफ़ी ज़्यादा वो रीड करते हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। अच्छा आप देखें, आप ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ कि बंगालियों के साथ असल में फड्डा उसी वक्त पड़ गया था जब लैंग्वेज का इशू आया था, तो वो कहते थे कि आप बंगाली ना बोलें, आप उर्दू ही बोलें, ये कहा गया था। और तकरीबन 8 से 10 जो स्टूडेंट्स थे उनको मार दिया गया था इसी वजह से। ये पहली चिंगारी थी जो उस वक्त उठी, 1952 की ये बात है कि जब ये एक तहरीक ने जन्म लिया था, तो फिर उसके बाद ये चलता चलता फिर 1971 में ही जी मुल्क ही एक बन गया अलग से। बंगालियों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता था बहुत ही, मतलब उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, उनको कहते थे ये 2.5 फुटे हैं, ये जनाब बोने बोने और इनके काले रंग हैं और ये करेंगे क्या, मतलब इस तरह उनके जूट से स्मेल आती है, हमारे पटसन से, ये हमारी सड़कों से तो उनके पटसन से, यानी इस तरह की बातें करते थे। और उनको ना ही तो किसी सरकारी अहदे पे जगह मिलती थी, हाँ हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट की जॉब्स थी, उनको नहीं रखते थे ज़्यादा, और ज़्यादा रखते थे हमारी वाली साइड पे, यानी मगरबी पाकिस्तान से रखते थे, मशरकी पाकिस्तान से लोगों को नहीं लिया जाता था ज़्यादा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते थे, जो टैलेंटेड लोग थे, वो बांग्लादेश से ही थे। तो ये वजह बनी, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि हमें तो ये दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं, तो बहुत कम सीटें लेते हैं, वो लेते हैं भुट्टो साहब। अब ऐसे ही था कि जैसे अब इमरान खान की सीटें कितनी ज़्यादा, और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की ये नून लीग की सीटें कोई नहीं थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, बस फ़र्क यही था और कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन वो जनरल याहिया ने क्या किया था, आपको शायद याद हो कि उन्होंने कहा जी भुट्टो ही हमें मंजूर है, हमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मंजूर नहीं है। अगर वो आ जाता, आपको पता है कि वो बड़ा मकबूल हर दिल अजीज लीडर था, लोगों की आंखों का तारा था, तो उनको ये था कि हमें दोबारा के साथ ना कभी लगा दे, और इस तरह का हमें लीडर वैसे भी नहीं चाहिए। तो इस तरह फिर वो मुल्क टूटा और सबके सामने, और भी इसमें बहुत सारे वाकयात हैं, ये तफसील से डिटेल से एक दिन वीडियो इसके ऊपर तो बन सकती है कि वो क्या क्या करते रहे, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उनके खानदान में क्या था, और मुक्ति बानी ने क्या किया, इंडिया ने इसके अंदर क्या चाल साजिश रचाई, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये बताएंगे इंशाल्लाह आपको कभी किसी दिन, इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाएंगे इसके ऊपर, बायोग्राफी आपको बताएंगे। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में आप भी बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।